अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT लाहौर एडमिशन 2023 के बारे में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं, इनके लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है, इनका हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ होने वाला है, और एट द एंड जो है एडमिशन के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है, और उसे ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ हाईलाइट जो है वो इस तरह से शो हो रही हैं। अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स की कि हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए, तो उसके लिए जो है हमारे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है ऐड। तो अगर हम इस ऐड की बात करें तो इसमें हमारे पास यहाँ पर सारे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर BBA प्रोग्राम है, फिर हमारे पास यहाँ पर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। तो जिन प्रोग्राम्स के आगे लिखा हुआ है पोस्ट ADP ठीक है या BBIS, तो उसका मतलब आप जो है इसमें फिफ्थ सेमेस्टर भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपने BSc की या फिर BA की है तो आप इसमें जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर से आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर BBA प्रोग्राम, फिर हमारे पास यहाँ पर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, देन हमारे पास यहाँ पर अगेन लिखा है जिसका मतलब है साथ ही भी लिखा है पोस्ट ADP AFN मतलब AFN स्ट्रीम वगैरह। फिर हमारे पास यहाँ पर BS ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और ये भी हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव MBA वीकेंड क्लासेस है, फिर हमारे पास यहाँ पर MBA है, और MS बिजनेस एनालिटिक्स है, MS इकोनॉमिक्स है, MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, MS फाइनेंस है, हमारे पास यहाँ पर MS मैनेजमेंट है, MS मार्केटिंग, MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MS डेटा साइंस, MS स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, PhD स्टैटिस्टिक्स है, PhD इकोनॉमिक्स, PhD इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है BS बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर है, PhD आर्किटेक्चर है, और BCom है, और BCom मतलब फिफ्थ है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर BS अकाउंटिंग है, BS अकाउंटिंग फिफ्थ सेमेस्टर है, और BS बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग है, BS बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिफ्थ है, BS ई कॉमर्स है, और BS प्रोफेशनल स्टडीज़ है, BS प्रोफेशनल स्टडीज़ है मतलब फिफ्थ के साथ, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीकेंड क्लासेस है, और LLM का प्रोग्राम अवेलेबल है। फिर हमारे पास यहाँ पर MS सिविल इंजीनियरिंग है, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग, PhD सिविल इंजीनियरिंग, PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन हमारे पास यहाँ पर बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन है, फिर हमारे पास यहाँ पर बैचलर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन, BS फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, फिर BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिफ्थ है, MS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, और MS फूड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, MS फूड टेक्नोलॉजी, PhD फूड टेक्नोलॉजी, PhD ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, और BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और BS डिजास्टर मैनेजमेंट है, और BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फिफ्थ सेमेस्टर के साथ है दो प्रोग्राम। फिर हमारे पास यहाँ पर MS पब्लिक पॉलिसी, MS पब्लिक पॉलिसी फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फिर हमारे पास यहाँ पर BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन फिफ्थ के साथ है, MPhil मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, PhD मीडिया एंड कम्युनिकेशन है। देन हमारे पास यहाँ पर जो है BS क्लिनिकल साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी ADP के साथ है, और MS काउंसलिंग साइकोलॉजी है, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil साइकोलॉजी, PhD क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर हमारे पास यहाँ पर BS मेडिकल इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी है, BS मेडिकल लेबॉरेटरी साइंस है, BS न्यूट्रिशनल साइंस है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है, फिर हमारे पास यहाँ पर BS एजुकेशन है, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, और BS सोशल साइंस, BS सोशियोलॉजी, BS स्पेशल नीड्स एजुकेशन, BS पॉलिटिकल साइंस, BS सोशियोलॉजी, और फिर इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम थे जैसे BS सोशियोलॉजी, BS जेंडर स्टडीज़, BS स्पेशल नीड एजुकेशन, ये सारे के सारे BS फिफ्थ से भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस है, MPhil पॉलिटिकल साइंस, MPhil एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, MS सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो PhD स्पेशल एजुकेशन है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और MS कंप्यूटर साइंस, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MS कंप्यूटिंग एंड डाटा साइंस, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, PhD कंप्यूटर साइंस, BS एविएशन मैनेजमेंट है, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS फिजिक्स। इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम है वो सारे के सारे फिफ्थ वाले हैं, जिनमें हमारे पास BS जूलॉजी, BS मैथमेटिक्स, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS फिजिक्स, BS मैथमेटिक्स। तो ये सारे के सारे जो है फिफ्थ में से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर MS बायोकेमिस्ट्री, MS बायोटेक्नोलॉजी, MS केमिस्ट्री, MS मैथमेटिक्स, MS फिजिक्स, MS मैथमेटिक्स वीकेंड है, MS फिजिक्स भी वीकेंड है, PhD केमिस्ट्री, PhD मैथमेटिक्स, PhD फिजिक्स है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, BS इंग्लिश लिटरेचर है, BS इंग्लिश लिटरेचर जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ अवेलेबल है, MPhil अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, MPhil इंग्लिश लिटरेचर है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है पोस्ट ADP प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो सारे के सारे हमारे प्रोग्राम जो है वो एडमिशन के लिए अवेलेबल है, जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें फीस स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए जो है मैंने इसका फीस स्ट्रक्चर वाला पेज ओपन किया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बीबीए का हमारे पास फीस स्ट्रक्चर 99,375 रुपीज़ है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 80,000 बनता है, बी एस इकनॉमिक्स का हमारे पास 18,000 बन रहा है, ठीक है, और जैसे हमारे पास एम एस इकनॉमिक्स का 73,000 बनता है, और बी एस सी एविएशन मैनेजमेंट का हमारे पास यहाँ पर 93,000 बन रहा है, बी एस इंग्लिश लिटरेचर का हमारे पास यहाँ पर 53,000 है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का हमारे पास यहाँ पर 49,000 बनता है, और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं बी आर्किटेक्चर का हमारे पास यहाँ पर 99,000 बन रहा है, और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के सभी इन्होंने आप लिखे। जैसे हमारे पास यहाँ पर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस करेंगे तो आपको 48,750 रुपये पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा, बी एस अकाउंटिंग का 43,000 बनता है, ठीक है, और बी एस सी कॉमर्स का हमारे पास यहाँ पर 36,000 बन रहा है, और बी एस टेक्सटाइल का हमारे पास यहाँ पर 18,000 फीस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और जैसे हमारे पास यहाँ पर एम एस सिविल है इसका 56,000 बन रहा है, एम एस इलेक्ट्रिकल का 56 है, ठीक है, मैकेनिकल वगैरह का 56 है, तो सारे के सारे जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको इसे एक पेज से मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है वो एम एस केमिस्ट्री लिखा हुआ था, और जैसे हमारे पास यहाँ पर बी एस बायो केमिस्ट्री का हमारे पास 53,000 बनता है, बी एस बायो टेक्नोलॉजी का 55,000, बी एस केमिस्ट्री का 53,000, ठीक है, बी एस केमिस्ट्री फिफ्थ का भी हमारे पास 64,000 बन रहा है, एम एस और बी एस मैथमेटिक्स का हमारे पास यहाँ पर 53,000 बनता है, तो आपके सारे स्पेस से मिल जाते हैं। अगर बात करें इसमें स्कॉलरशिप की, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म है नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का, अगर आप अलग से इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मेरिट स्कॉलरशिप है, अलुमनी स्कॉलरशिप है, किनशिप है, मतलब बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं जिसका हमारे पास एक ही फॉर्म है, आपने सिंपली स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है और नीचे अपना बायोडाटा वगैरह देने के बाद जो है आपने इसमें अप्लाई कर लेना, ठीक है, तो वैसे करके आप इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। अगर बात करें अप्लाई ऑनलाइन की, तो उसके लिए जो हमारे पास जो है इसका अप्लाई ऑनलाइन वाला एक पोर्टल ओपन है, ठीक है, अब उसमें ओपन हमने करना क्या है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो उसके बाद हमारे सामने देखिए ये वाला पेज होता है। अब अगर आप यहाँ पर पहले से अकाउंट बनाया, जैसे मैंने बनाया हुआ, तो आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन करना है, अदरवाइज हमें यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अब क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देंगे, ई मेल एड्रेस, मिडिल नेम अगर है तो ठीक है तो छोड़ सकते हैं आप, लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर, जेंडर, सीएनसी नंबर, नेशनलिटी, और सिंपली ये कोड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ईमेल पे आपके इस तरह का एसएमएस आएगा, तो यहाँ पर आप में सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर आपका जो पासवर्ड है अकाउंट का वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आपके पास पासवर्ड आ जाएगा तो आपने सिंपली देखें यहाँ पर आना है, और ये देखिए अपना ईमेल एड्रेस देंगे और अपना जो पासवर्ड है जो आपके मोबाइल फ़ोन पे है आप वो देंगे। उसके बाद हमारे पास ये देखिए जो यहाँ पर जिप कोड है, ये आपने लिखा हुआ 18585 8, और हमारे पास यहाँ पर जो स्माल पी है ये आ गया, फिर हमने यहाँ पर सिंपली साइन अप पे क्लिक कर दिया। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि इनवैलिड कोड, आई थिंक मैंने कोड गलत लिखा, तो मैं इसको यहाँ पर अगेन सेट कर लेता हूँ, 6B5C। तो देखिए मेरे सामने जो है इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं, आपकी तस्वीर किस साइज़ की होनी चाहिए, आपको 2,000 रुपये का चलान फॉर्म पे करना पड़ेगा एसबीआई बैंक के अंदर वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ से जो है आप उसका जो प्रिंट है चलान फॉर्म का, वो भी आप प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है, फिर आपका एडमिशन होगा। देन आपने यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना, ठीक है, अब ये प्रिंट भी हो जाएगा एक मिनट। तो अब सीन यहाँ पर इस तरह के आपका सबसे पहला वाला है प्रोग्राम प्रेफरेंस, मतलब आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बी एस, एम एस, बैचलर, मास्टर, फिर आपके यहाँ पर प्रोग्राम प्रेफरेंस है, मतलब आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, ठीक है, आपको दो प्रेफरेंस लाजमी देनी। उसके बाद आपका आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, उसमें आपका सारा बायोडाटा होगा, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, ये वो, फिर आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपकी कंप्लीट फैमिली का एड्रेस होगा, फादर नेम, मदर नेम, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये वो, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में आ जाएगा, आपने FSC कहाँ से की, मैट्रिक कहाँ से की वगैरह वगैरह, कितने नंबर से, क्या रोल नंबर था। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बता देंगे, अदरवाइज आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर, अगर आपको यहाँ से पहले अवार्ड मिले, कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली है, तो आप उसके बारे में यहाँ से बता सकते हैं। फिर आपकी टेस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने पहले कोई गेट वगैरह का टेस्ट दिया, ठीक है, अदरवाइज आप नो करके सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं, तो इससे पहले अपना खुद का छोटा मोटा एंट्रेंस टेस्ट आप ले सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर रेफरेंसेज आते हैं, अगर आपको रेफरेंस देना चाहें यूनिवर्सिटी लेवल पर, अगर आपको जाने वाला है तो आप दे सकते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी मैट्रिक की सनद, आईडी कार्ड नंबर, सॉरी आईडी कार्ड की तस्वीर, या बेफार्म की तस्वीर, या आपकी आपकी खुद की तस्वीर, तो आपने अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर स्कॉलरशिप, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं तो आप कौन सी लेना चाह रहे हैं, आपने उसके लिए बता देना है। फिर अंडरटेकिंग की मैं जो बता रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है, सारा कुछ बताने के बाद आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना, और जो फी वाउचर है वो आपने पे कर देना डाउनलोड करके, इससे करके आपका अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्फर्मेशन का आपको जो है वेट करना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मुतालिक क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी।